मैं आशीष मिश्रा अपने YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान गुरु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियोज की तरह मैं इस वीडियो में भी आपको कुछ अच्छी बातें बताने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इनकम टैक्स विभाग द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई है कि आप लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं जिसने इनकम टैक्स भर दिया है। तो अब बारी आती है इनकम टैक्स रिटर्न की, लेकिन हम सभी की सोच में इनकम टैक्स रिटर्न के नाम से बहुत ही झंझट वाला काम लगता है। जब हम ये देखते हैं हमारी कंपनी द्वारा हमको फॉर्म 16 दे दिया जाता है, तो हम देखते हैं कि अरे इसमें कितना कट गया, हमारी आय तो 15 लाख है, 20 लाख है, 12 लाख है, 14 लाख है, और इतनी अधिक सैलरी और फिर इसमें इतना टैक्स तो कटेगा ही कटेगा, हम ये सोचते हैं। बट अगर देखा जाए तो हम अपनी सैलरी को दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक, वह सैलरी का वह हिस्सा जो मेन है, जिसमें हमारा बेसिक पे प्लस डीए आता है, और सैलरी का वह हिस्सा जिसमें अन्य आय जोड़ी जाती है। इन दोनों को मिलाकर के ही हमारी सैलरी बनती है। तो क्या दोनों पार्ट मिलाकर के दोनों में ही टैक्स लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें से कुछ पार्ट ऐसा होता है जो टैक्सेबल होता है, कुछ पार्ट ऐसा होता है जो नॉन टैक्सेबल होता है। इस तरह हमारी जो सैलरी है वह दो भागों में बढ़ जाती है। तो दोस्तों, हमको यही सोचना है कि हमको हमारे टैक्स हमको कितना देना है और कितना नहीं देना है, हमको सेविंग कितनी करनी है जिससे हम अपना टैक्स बचा सकते हैं, वहाँ पे हमको सेविंग करने का डिसीजन लेना है, और किस तरह की सेविंग करनी है इसका भी डिसीजन हमको लेना है। तो आज हम अपने इस वीडियो में यही सारी बातों को समझेंगे। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि फॉर्म 16 के द्वारा हम ये देखेंगे कि हमारी वास्तव में टैक्सेबल इनकम कितनी है, जो फॉर्म 16 में साफ साफ दी जाती है, और वह हमको मालूम चल जाती है कि एक्चुअल में हमारी जो नेट टैक्सेबल इनकम है वह कितनी है। उसमें से सबसे पहले हम 50,000 है स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसको हम घटा देते हैं। 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारा घट जाएगा 5 लाख में। 5 लाख तक की सैलरी में, जैसा कि आपको मालूम है, कोई टैक्स नहीं लगता। उसके बाद 50,000 रुपीज स्टैंडर्ड डिडक्शन का है, उसमें भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा हमको 80 सी सी डी के तहत 1.5 लाख रुपए तक की सेविंग करने की छूट है। अगर हम कुछ सेविंग कर लेते हैं, कहीं इन्वेस्ट करते हैं या कहीं खर्च करते हैं, उन खर्चों को या इन्वेस्ट को हम उसमें दिखाते हैं, तो 1.5 लाख तक की हमको छूट मिलती है। तो आज हम यही जानेंगे पहले कि ये 1.5 लाख रुपए हमको किन किन मदों से छूट मिल सकती है और इनमें क्या क्या आता है। अगर हम देखें तो इसमें से दो तरह के होते हैं, दो क्या, इसको हम जो तीन भागों में बांट सकते हैं, 80 सी सी डी 1.5 लाख के हिसाब से इसको बांट सकते हैं। तो सबसे पहला है कि जहां हम कभी इन्वेस्ट करते हैं ऐसा अमाउंट, जैसे कि होता है हमारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या फिर प्रोविडेंट फंड जिसको हम कहते हैं, ये एम्प्लॉय द्वारा काटा जाता है, और इसमें 1.5 लाख के उसमें हमको छूट मिलता है। जितना प्रोविडेंट फंड हमारा कटेगा वह 80 सी सी के तहत टैक्सेबल नहीं होगा। इसके अलावा पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ में मिनिमम 500 रुपये का हम इन्वेस्ट करते हैं, और 500 से लेकर के हम 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट एक साल में कर सकते हैं, जो टैक्स फ्री होता है, मतलब आपको 80 सी के तहत उसमें छूट मिलती है। इसके अलावा हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बात करें, इसमें भी 1.5 लाख रुपए तक की छूट होती है। हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पीपीएफ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और या फिर हम टैक्स सेविंग जो 5 साल या 5 साल से ज़्यादा के लिए हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं, चाहे वो किसी बैंक में करें या फिर हम पोस्ट ऑफिस में करें, ऐसे किसी भी फिक्स डिपॉजिट जो 5 साल से ज़्यादा है वो भी टैक्स फ्री होता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम,
उसमें भी हमको छूट मिलती है। पेंशन प्लान्स आपने कोई लिया है उसमें भी हमको छूट मिलती है। न्यू पेंशन स्कीम NPS, इसमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट जा रहा है उसमें भी हमको छूट मिलती है। इसके अलावा है टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है ELSS, ELSS में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब कि इसमें कोई भी म्यूचुअल फंड की तरह ही इसमें भी इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन इसमें लॉकिंग पीरियड 3 साल का होता है। आपको मिनिमम 3 साल के लिए अपना पैसा लॉक करना होगा और जिसमें कुछ अच्छा रिटर्न मिलता है तो हम ELSS में भी इन्वेस्टमेंट करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। इसके बाद टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड हो गया। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेंशन स्कीम होती है, उसमें भी अगर हम अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उसमें भी हम बचा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कोई होम लोन ले रखे हैं तो होम लोन में जो प्रिंसिपल अमाउंट प्रत्येक साल का होता है वह भी इसी 1.5 लाख में आ जाता है। और या फिर आपने कोई आपने घर रजिस्ट्री करवाया है तो वह रजिस्ट्रेशन फीस भी आपकी जो है उस साल के होम लोन में जाएगी। यदि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको आप ट्यूशन फीस के रूप में जो पेमेंट दे रहे हैं वह भी इसके डिडक्शन के अंतर्गत आता है। मतलब इतनी सारी जो भी स्कीमें हैं इनमें से अगर आपने 5, 5, 10, 10, 15, 15 हज़ार रुपये भी इन्वेस्टमेंट कहीं किया है तो उन सबको मिलाकर के मैक्सिमम आपका 1.5 लाख रुपए तक का होना चाहिए। अगर आपका 1.5 लाख रुपए आपका ऐसे पहुंच रहा है तो वह आपका इस सब के छूट के दायरे में आ जाएगा। तो हमने अभी तक देखा कि 5 लाख रुपए हमारा जो टोटल टैक्सेबल इनकम है उसमें से 5 लाख हमने देख लिया। 5 लाख के ऊपर हमने 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन का देख लिया। इसके बाद 1.5 लाख रुपए हमने जो है सेविंग का देख लिया ATC के अंतर्गत, तो यानी कि 7 लाख हमारा ऐसे हो जाता है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ हम बचत कर सकते हैं उसके बारे में हम पता करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि NPS में 50,000 तक का आप और बचत कर सकते हो, यानी 1B के अंतर्गत 80CCD 1B के अंतर्गत अगर आप एक दूसरा खाता खोलते हैं तो उसमें 50,000 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वह भी अलग से छूट मिलेगी, यानी कि 7.5 लाख रुपये का होगा हो जाएगा छूट। और इसके अलावा एक छूट और होगी, अगर आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं या अपनी फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसमें भी आप अपना खुद का कराते हैं तो 25,000 मिलेगा, अगर उसमें आपकी फैमिली का भी है तो 50,000 तक का छूट होता है, यानी कि 8 लाख की सैलरी में भी आपको कोई टैक्स नहीं लगने वाला। दोस्तों इसके अलावा अगर आपने होम लोन लिया है और होम लोन का आप पेमेंट EMI के रूप में कर रहे हैं तो अगर उसमें जो भी इंटरेस्ट होगा मैक्सिमम 2 लाख रुपये तक का इंटरेस्ट में आपको छूट होगी, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि 8 लाख रुपये तक का अभी तक जो भी टैक्सेबल इनकम आपकी जो इनकम थी अभी उसमें कोई छूट किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। और 2 लाख रुपए आपका जो होम लोन का टैक्सेबल इंटरेस्ट है उस पर भी ऐड कर दिया जाए तो 8 और 2, 10 लाख रुपए तक का आपकी इनकम में कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। इसके अलावा यदि आप इसी साल में या साल के अंत में कहीं आप अपने फैमिली के साथ कहीं टूर में जाते हैं, जो टूर में जो भी आपका आने जाने का किराया है अगर वह आपकी कंपनी द्वारा आपको दिया जाता है तो वह भी आपके टैक्सेबल इनकम में नहीं आती है। और इसके अलावा आप अगर कहीं से आपने HRA लिया है, आपको HRA मिल रहा है तो वह HRA का जो भी अमाउंट होगा अगर आपकी कंपनी आपको HRA दे रही है उस दशा में वह भी कर मुक्त होगा। उसके संबंधित भी रूल है, उसके बारे में भी हम अलग से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस तरह आपको पता चल गया होगा कि मिनिमम 10 लाख तक के अमाउंट में जो कि अभी तक आपका टैक्सेबल इनकम था, अगर आप सूझबूझ का परिचय देते हुए आप सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर उन खर्चों को आप जोड़ लेते हैं जिनकी उनकी पहचान करते हैं तो आप जो 5 लाख रुपए के ऊपर आप टैक्स देने वाले थे अभी वह आपका 10 लाख का भी अमाउंट होने पर भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस तरह आप टैक्स देने से बच सकते हैं और एक अच्छी सेविंग कर सकते हैं और उस पैसे को आप कहीं दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले अन्य वीडियोज को देख सके।